मजे से आके लेटा हुआ है कोई फिक्र नहीं है कैट्स को बाइक ट्रेनिंग देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बहुत आसान है बस आपने आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा चाहे कैट है या किटन है आप लोग उसे रात टाइम ट्रेनिंग दे क्योंकि अस्सलाम वालेकुम मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे क्या देख रहे हैं वाह क्या एक्टिंग कर रहा है हाँ कोई नहीं कोई नहीं लेट जो मजे से आपके ही तो रूम है सारा घर ही आप दोनों का है पता नहीं अपना घर ही समझा हुआ है इन्होंने पूरे घर में इन्होंने अपने रो फैलाया हुआ करते है जहाँ दिल करता है वहाँ पे आके लेट जाते हैं मैं तेरे रूम में ऐसे आके लेटता हूँ मुझे बता मैंने कौन सा रोक तुझे लेट कर बस बातें सुन लो इसे जितने सुननी है यहाँ पे सारे बार लगा के चले जाते फिर गालियाँ भी मुझे सुननी पड़ती हैं और मजे से आके लेटा हुआ है कोई फिक्र नहीं है इसे और ये दूसरी बाजी बैठी अपनी सफाइया करती रहती है सारा दिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देना सिखाऊंगा कैसे कैट को बाइक ट्रेनिंग देते हैं किस तरह बाइक पे आगे बैठा के लेके जाते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो हाँ जी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो इन दोनों को ना गंदी आदत पड़ी हुई है सारा दिन नीचे फिरते रहते हैं मजा आ अगर दो मिनट ऊपर टिक के बैठ जाए ऊपर हालांकि मैंने इनके लिए एयर कूलर भी लगाया नहीं फिर भी इन्होंने नीचे फिरना है और मैं फिर इनको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करता हूँ मैं कहता हूँ गर्मी है यार अब क्या इनको बार बार ऊपर छोड़ के आना फिर नीचे आ जाते फिर ऊपर छोड़ के आता हूँ तो मैंने कहा फिरते हैं फिरते रहे अब नीचे ये गंदे बच्चे बात तो सुनते नहीं है अब ये देख लो कहाँ पर घुस रहा है वो अच्छा उस विंडो में मुफिन जाके बैठ गई ना इस वजह से ये इस साइड पर आ गया क्या नज़र आ रहा है बाहर मुझे भी दिखा दे हाँ ये कर लो पहले कैट्स को बाइक ट्रेनिंग देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बहुत आसान है बस आपने दो से तीन स्टेप्स होते हैं जो अच्छी तरह फॉलो करने होते हैं हाँ कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ट्रेनिंग के बग़ैर भी कैट्स बैठ जाती हैं चली जाती हैं बाइक पे आगे बैठ के पर उससे मसला ये होता है वो किसी भी टाइम जंप कर सकती हैं ये तो हंड्रेड परसेंट होते कि वो लाजमी जंप कर सकती हैं और जब फिर चलती बाइक से कैट्स जंप कर देती हैं तो उनका नुकसान भी काफ़ी हो जाता है इस वजह से ट्रेनिंग लाजमी देनी चाहिए उनको तो आपको दो से तीन स्टेप जो फॉलो करने हैं वो बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैक्स को बाइक ले कर चलते हैं बाइक पे बिठा के फिर प्रॉपर समझा दूंगा तो सबसे पहले तो आप लोगों ने कोई खाली जगह ढूंढ लेनी है जहाँ पे बिल्कुल भी रश ना हो या तो अपनी आप गली में भी सिखा सकते हैं अगर वहाँ पर रश नहीं है तो वरना आप कोई प्लाट वग़ैरह या कोई भी ग्राउंड वगैरह में जा सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी रश ना हो क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है फिर कैट ज़्यादा ट्रैफिक देख के वैसे स्ट्रेस में आ जाती हैं और जंप करने लग जाती हैं बार बार इस वजह से खाली जगह ढूंढना लाजमी है और पहले बता दूँ चाहे वो किटन हो या कैट हो तो आप लोगों ने ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं ट्रेनिंग के लिए अब जब मैंने मैक्स को ट्रेनिंग दी थी तब मैक्स तकरीबन थ्री से फोर मंथ्स का था और किटन जो होते हैं वो काफ़ी जल्दी सीख जाते हैं और बार बार बाइक से जंप भी नहीं करते अगर कोई एडल्ट कैट होती है तो वो बहुत मुश्किल से ट्रेन होती है क्योंकि वो बाइक पे बहुत कम बैठती है बार बार जंप करी जाएगी पर आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना अगर तो आपके पास अडल्ट कैट है आप उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दें और वो प्रॉपर सीख जाएगी जिस तरह आप किटन है किटन को वन से टू वीक्स लगते हैं और कैट को वन मंथ तक भी लग सकता है तो अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ पहले तो आप लोगों ने कोई खाली जगह ढूंढ ली अब उसके बाद आप लोगों ने जब अपनी कैट को बाइक पे आगे बिठाना है तो एक हैंड उसके ऊपर रखना है और एक हैंड से बाइक चलानी पड़ेगी आप लोगों को क्योंकि वो बार बार जंप करने की कोशिश करेगी हाँ अगर तो ज़्यादा इशू है आप उसे स्टार्टिंग का वन वीक रात टाइम भी सिखा सकते हैं मैंने मैक्स को रात टाइम ही सिखाया था क्योंकि रात टाइम ज़्यादातर कैर्स होती हैं स्कून से बैठी रहती है जंप करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती तो आप लोगों ने ये करना है स्टार्टिंग का वन वीक उसको रात टाइम में बिठा के बाइक चलानी है तो अब मैक्स को बाइक लेके चलता हूँ और बाइक पे बिठा के थोड़ा सा समझा देता हूँ पर उससे पहले इनका भी खाने का टाइम भी हुआ हुआ है तो पहले खाने को कुछ दे देते हैं यार ये खाना इनका ले आएँ और ये दोनों भी आ गए हैं यहाँ पे आज डोर में बिठा के देने लगा हूँ क्योंकि बाहर मौसम काफ़ी अच्छा हुआ हुआ है इधर मौसम इंजॉय करेंगे और साथ साथ अपना खाएँगे आ जाओ तो यार ये जल्दी से खा लें और उसके बाद हम इन्हें ले चलते हैं देखना मैक्स के काम मैक्स की स्पीड इतनी है वो जल्दी जल्दी अपना ख़त्म कर लेता है मूफिन बेचारी आराम 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 से खाती है वो उसका हालांकि उसका बचा रह जाता है वो भी जल्दी से मैक्स आके खा लेता है वो देखो अब नज़रें आ रही हैं ना इधर अपना खा लिया अब उसका नहीं खाना वो देख लो वो गंडों में चला गया सारा वो वो देखना मूफिन को मूफिन की फुल फुल नज़रें उस पर हैं वो सामने एक कैट बैठी हुई है ये देखें इस जगह पे अगर मैक्स को नज़र आ गई ना मैक्स ने उसके पीछे भाग जाना है जहाँ पे भी वो गई वो बल्कि वो भी बैठा देख रहा है वो देखो ये इसने ना उसके पीछे भागने लग जाना है वही इससे अच्छा है इसको पकड़ के मैं लेके जाता हूँ अभी यार हवा इतने मज़े की चाह रही है मौसम फुल मज़े का हुआ है वरना इतनी धूप निकली थी दो तीन दिनों से तो स्टार्टिंग में तो आप लोगों ने इस तरह अपनी कैट को आगे बिठा लेना है बाइक पे बाइक ट्रेनिंग में ज़्यादातर यही होता है बस आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा वन वीक तक पकड़ के आगे बिठाना है क्योंकि कैट जो होती है ना बहुत इंटेलिजेंट होती है उनको ख़ुद ही पता चल जाता है मुझे किस तरह की ट्रेनिंग देना चाहते हैं इसी तरह जब आप उसे कुछ दिन पकड़ के बिठाएंगे बार बार तो वो खुद ही बैठने की आदि हो जाएगी फिर वो कभी भी जंप नहीं करेगी और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा चाहे कैट है या किटन है आप लोग उसे रात टाइम ट्रेनिंग दें क्योंकि रात टाइम फिर आप लोग भी आसानी से उसे हैंडल कर लोगे कैट को और फिर कैट भी रिलैक्स होकर बैठी रहेगी उसके बाद जब आप वन वीक के बाद फिर उसको दिन टाइम बिठाओगे तो वो इजीली बैठ जाएगी बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी तो बस ट्रेनिंग में ज़्यादातर इनके ये होता है कि आप लोगों ने बस इसको यहाँ पे हैंड रखना होता है और इसी तरह एक हैंड कैड पे रख के बाइक चलानी है किटन जो होता है छोटा सा होता है उसे तो बंदा आराम से हैंड में पकड़ के बिठा लेता है पर अडल्ट कैट का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है उसे केयरफुली पकड़ना होता है और वन मंथ से पहले आप लोगों ने कैट को बिल्कुल भी मार्केट में नहीं लेके जाना ये कैट्स के लिए रिस्की हो सकता है इसको तो अब ट्रेनिंग दी हुई है ये बाइक से बिल्कुल भी जंप नहीं करता हाँ जब घर के बाहर आके बाइक रोकता हूँ तब उतर जाता है जल्दी से और अब इसको बाइक पे बिठा के लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ ये कितना इन्जॉय करता है और बाइक भी आप लोगों ने इस तरह फुल स्लो स्लो चलानी है ज्यादा तेज नहीं चलानी है। जब भी आप लोगों ने कैर को चाहे वो ट्रेन भी हो जाए ना कैर अच्छी तरह फिर भी आप लोगों ने बाइक स्लो स्लो ही चलानी है चलो अब एक काम करते हैं मुफिन को भी आज ले के जाते हैं थोड़ा सा वैसे बिठा के लेके तो जाएं उसका रिएक्शन कैसा होता है वो देखते हैं 2000 years later. वो देखना इसके काम मुफिन चार क्या हुआ अंदर छुपी बैठी थी इतने मजे से तो यार इसको थोड़ी देर के लिए बिठाया है बाइक पे तो ये बार 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 उतरी जा रही थी तो मैंने कहा अभी इसको तंग करना ठीक नहीं रहेगा बेचारी ऐसी डिस्टर्ब हो जाएगी तो इसको बाद में फिर कभी हम ट्रेनिंग दे देंगे मैं इसको तो अंदर ले आया था मैंने कहा क्योंकि अभी इनको नहलाया है तो गंदी हो जाएगी ऐसे और मैक्स पता नहीं बाहर ही बैठा हुआ है उसको भी मैं लेके आता हूँ और तुम लोग क्या कर रहे हो तोबा इतना गंद मचाया हुआ है इन्होंने ये देखे क्या हाल किया हुआ है शर्म नहीं आती चूचू तुझे ये ज्यादातर गंदना चूचू ने मचाया हुआ उनको तो मैंने अभी ओपन किया थोड़ी देर हुई है हाय माशाल्लाह कपल कितना क्यूट लग रहा है बैठा हुआ माशाल्लाह सुभान अल्लाह बाहर इतनी तेज अंधेरी आ रही और बाहर फेर रहा था बाकी ये देखे थोड़ी देर अगर विंडो ओपन रहे तो रूम का ये हाल हो जाता है सारा रूम गंदा हुआ पड़ा है नीचे से तो इतना गंदा नहीं है क्योंकि नीचे अभी मैंने सफाई की है पर ये चेयर्स वगैरह की इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कितना गंदा हो जाता है अगर विंडो ओपन रहे और अंधेरी आ रही हो तो और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा किस तरह कैट्स को बाइक ट्रेनिंग देनी है उसमें बस ये दो से तीन स्टेप्स होते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं बस यही अच्छी तरह फॉलो करने होते हैं बाकी उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होता है तकरीबन वन मंथ तक का ताकि वो अच्छी तरह सीख सके ये भी एक किस्म के बेबी की तरह ही होते हैं जिस तरह बेबी को कोई भी चीज़ सिखानी हो तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है ना उसे सीखने में उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और हमारे चैनल रिहान एंड मैक्स को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज